वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और पीएम मोदी यहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। पीएम के पर्चा भरने से पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए बीजेपी ने बनारस में एक रोड शो किया। बनारस के इस मेगा रोड शो में वाराणसी संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभाओं से भाजपा कार्यकर्ता, पार्टी समर्थक, मतदाता और बड़ी संख्या में लोग नजर आए। इसी के साथ स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह था। इस मेगा शो में मोदी पर जमकर फूलों की बारिश हुई। महिलाएं थाली में फूल लेकर मोदी के स्वागत में नजर आईं। जहां जहां से भी पीएम मोदी का काफिला गुजरा वहां वहां पर लोगों ने फूलों की बारिश की और पीएम मोदी ने भी सब लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रोड शो के रास्ते में जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं और बनारस वासियों ने मोदी के स्वागत की व्यापक तैयारियां की थी। मोदी की इस मेगा रोड शो में शामिल लोग भगवा कलर का साफा पहने नजर आए जिस पर भाजपा लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान वाराणसी की सड़कों पर चारों तरफ जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन ने कहा कि पूरा काशी मोदीमय हो गया है और सभी लोग अपने प्रिय मोदी जी को देखना चाहते हैं। लोगों में गजब का उत्साह है और लोग उनका ऐतिहासिक स्वागत करने को तत्पर हैं। चंद्रमोहन ने बताया कि पार्टी ने काशीवासियों को आमंत्रित किया था। तमाम क्षेत्रों से लोग काशी के दशाश्वमेध घाट पर नजर आए। लोग मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार थे। मदन मोहन मालवीय की मूर्ति के माल्यार्पण के बाद पीएम मोदी 7 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए रवाना हो गए। पीएम की गाड़ी के ठीक पीछे सीएम योगी की भी एक गाड़ी थी। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान उनका भव्य काफिला लंका, अस्सी, शिवाला और मदनपुरा से होते हुए गुजरा। भारी भीड़ और संकरी गलियों के चलते प्रधानमंत्री के रोड शो का काफिला बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 6:50 पर रोड शो पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन भारी भीड़ के कारण रोड शो समय पर पूरा नहीं हो सका। मोदी का रोड शो समय पर पूरा ना होने के कारण गंगा आरती को भी टालना पड़ा। गौरतलब है कि दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती शाम 6:50 पर निर्धारित थी। इसमें पीएम मोदी समेत कई नेताओं को शरीक होना था लेकिन रोड शो में देरी के कारण पीएम घाट पर सही समय नहीं पहुंच सके जिसके कारण गंगा आरती को टालना पड़ा। हालांकि जब 7:45 पर पीएम दशाश्वमेध घाट पहुंचे तो तुरंत आरती शुरू कर दी गई। रोड शो और गंगा आरती के दौरान पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के बीजेपी चीफ महेंद्रनाथ पांडे भी मौजूद रहे। इन चारों नेताओं ने वीआईपी पवेलियन में बैठकर गंगा आरती देखी और इस दौरान मोदी लगातार तालियां बजाते रहे। ऐसे में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। चुनाव के नतीजे 23 मई को आने वाले हैं।